आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज भी कुछ खास। प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की भीषण समस्या से शहर के बासिंदे बेहद परेशान हैं। आज धरना प्रदर्शन करने का महिलाओं ने भी बीड़ा उठाया। नगर निगम परिसर में जलकल कार्यालय में पहुंचकर महिलाओं ने अधिकारियों को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि जमकर लताड़ भी लगाई। जब अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ थे तो महिलाओं ने सरकारी दफ्तर से उनकी फाइलों को निकालकर फेंका। महिलाओं का आक्रोश इतना अधिक था कि कुछ भी करने को तैयार थीं। दरअसल फिरोजाबाद के सुहागनगर, हिमायूपुर, नगला पछिया, जैन नगर आदि इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। रमजान का पर्व होने की वजह से मुस्लिम एरिया में टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, लेकिन हिंदू बहुल एरिया अभी भी पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा है। इसी को लेकर हंगामा करने के लिए महिलाओं ने हाथ में बीड़ा उठाया। इस धरने का नेतृत्व कर रही महिलाओं ने कहा कि गंदगी और बदबू दर पानी ही आ रहा है। देखते हैं रविंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पीके सिंह बैठे थे इस कमरे में और क्या नाम है, मुकेश अग्रवाल से। इन लोगों में क्या बात हुई, क्योंकि हमारे पास भीड़ मची थी, हमें भी देखना था, वो आप भी देख रहे थे, और उन्होंने क्या कहा ये मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन जो ये कह रही होंगी तो सही बात होगी। बदतमीजी से बोलते हैं, बदतमीजी की गई आप इनके नीचे वाले क्यों नहीं ढंग से काम कर रहे हैं? क्यों नहीं, क्या चक्कर था, पूरा मामला है क्या? क्यों नहीं मानते? पीके सिंह को मैंने लिख के दिया था कि 100-150 मीटर की पाइपलाइन करवा दो। ये शिकायत आ चुकी है आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी है पीके सिंह जेल में, आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं, क्या कहना है ऐसे जेल में? मैं और कुछ नहीं बोला था, इतना जानता हूँ, जो मैं लिख के दे दूँ काम होना।